मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अमित शाह जी वेस्ट बंगाल में कोलकाता में आज एक रोड शो में पहले से ली गई परमिशन के अनुसार वहां पर अपने कार्यक्रम में गए थे और जिस तरीके से देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रोड शो के कार्यक्रम पर बर्बरतापूर्ण हमला पश्चिमी बंगाल में हुआ है, हम सब इसकी निंदा करते हैं। पश्चिमी बंगाल के अंदर की अराजकता कोई प्रदर्शित करता है, चुनाव आयोग को ये सब बातें देखनी चाहिए। इस बर्बरतापूर्ण हमले के बारे में पहले से भी जो चीजें वहां चल रही थी चुनाव आयोग के संज्ञान में अवश्य रहा होगा। हमारी मांग है कि एक तो बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है और ये सत्ता प्रायोजित गुंडागर्दी है, सत्ता प्रायोजित अराजकता है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से बंगाल के अंदर की अराजकता को संज्ञान में लेते हुए तत्काल पश्चिमी बंगाल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग करते हैं। मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी का और बंगाल के उन लाखों कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं जो बंगाल के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। अपने स्वयं के जीवन को दांव पे लगाकर वहां के करोड़ों लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आज भी जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पर हमला किया गया, पुलिस हमलावरों को गिरफ्तार करने की बजाय, कार्रवाई करने की बजाय उन हमलावरों के साथ खड़ी दिखाई दे रही थी और प्रातः काल से ही इस प्रयास में थी कि रोड शो न होने पाए, व्यवधान डाल रही थी। सत्ता का इतना राजनीतिकरण अत्यंत शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। उस सब के बावजूद पश्चिमी बंगाल की जनता के लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए उन्होंने जिस निर्भीकता के साथ इस अराजकता का मुकाबला किया और अपना रोड शो का कार्यक्रम जारी रखते हुए वहां के कार्यकर्ताओं के उत्साह को बढ़ाने का जो कार्य किया है, मैं इसके लिए आदरणीय अमित शाह जी का और पश्चिम बंगाल के उन सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं कि जिन्होंने इस बर्बर और अराजकतापूर्ण स्थिति में भी लोकतांत्रिक मूल्यों की मर्यादाओं का ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम को अनवरत जारी रखा। सबसे बड़ी बात, पश्चिमी बंगाल के अंदर 6 चरणों के चुनाव संपन्न हुए हैं और किसी भी चरण में ऐसा नहीं था जिसमें बर्बर घटनाएं न घटित हुई हों। भारतीय जनता पार्टी या अन्य राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के या टीएमसी के विरोध में आवाज उठाने वाले लोगों पर बर्बरता न ढाई गई हो, और सबके बावजूद चुनाव आयोग का मौन बना रहना यह आश्चर्यजनक है। पश्चिमी बंगाल से ज्यादा लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए हैं, हर चरण में उत्तर प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश के 6 चरणों के चुनाव में एक जगह भी हिंसा की कोई घटना सामने नहीं आई है। अगर उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से
चुनाव हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में सत्ता के दुरुपयोग का कोई आरोप नहीं लगा सकता, भारतीय जनता पार्टी शासित किसी भी राज्य में नहीं लगा सकता, वेस्ट बंगाल में ये स्थिति क्यों? आखिर चुनाव आयोग आंख मूंदे वेस्ट बंगाल की स्थिति पर क्यों बैठा हुआ है? अत्यंत शर्मनाक है कि 6 चरणों की हिंसा के बाद भी आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी पर आज जिस तरीके से हमला हुआ है, इस प्रकार की अराजकता किसी भी स्थिति में लोकतंत्र के प्रति आस्थावान कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता, और कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता कि अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों के लिए कार्य करने वाले किसी भी कार्यकर्ता के ऊपर या किसी पदाधिकारी के ऊपर और फिर दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के अध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार का हमला हो, ये किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं। हम लोग मांग करेंगे महामहिम राष्ट्रपति जी से कि पटरी से उतर चुकी कानून व्यवस्था की बदहाल स्थिति और अराजकतापूर्ण स्थितियों में बंगाल की सरकार को एक भी क्षण टिके रहने का अधिकार नहीं, इसे तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन अधिकारियों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो अपने वर्दी को और अपने पद को कलंकित कर रहे हैं बंगाल के अंदर, सख्ती के साथ ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का जो लाखों कार्यकर्ता बंगाल की अराजकता और इस प्रकार की बर्बर घटनाओं का जिस मजबूती के साथ मुकाबला कर रहा है, सचमुच ये सभी कार्यकर्ता अभिनंदन के पात्र हैं। मैं एक बार पुनः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी पर और उनके रोड शो पर हुए हमले की निंदा करता हूं। चुनाव आयोग से इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करने की अपेक्षा भी करता हूं, और साथ ही साथ महामहिम राष्ट्रपति से यह भी अपील करता हूं कि वेस्ट बंगाल की सरकार को, जिसने लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों को तार तार किया है, सत्ता प्रायोजित इस प्रकार के आतंक और अराजकता को ध्यान में रखते हुए इसे बर्खास्त, वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग की भूमिका वेस्ट बंगाल के मामले में एक बार पुनः कटघरे में खड़ी हुई है। लगातार 6 चरणों के चुनाव में हिंसा, इस सब के बावजूद चुनाव आयोग मौन बना हुआ है, ये चीजें नहीं चल सकती हैं, ये अस्वीकार्य हैं। हमें आश्चर्य होता है कि चुनाव चल रहे हैं और किस किस प्रकार के बयानबाजी वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा की जा रही है। ये लोकतंत्र में इस प्रकार की बयानबाजी शोभा नहीं देती है। स्वयं वहां की अराजकता और वहां की बर्बरता के लिए वे स्वयं जिम्मेदार दिखाई दे रही हैं। ये चीजें मुझे लगता है कि लोकतंत्र के प्रति आस्थावान कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन आज की घटना ने तो इस बात को साबित कर दिया है कि बंगाल की कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है और मुझे लगता है कोई बड़े कदम उठाए जाने की वहां पे आवश्यकता है, और इसके लिए हम लोग मांग करेंगे कि वहां पे लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए या वहां की सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए।